हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही इजी और सिंपल एगलेस चॉकलेट केक। और ये रेसिपी इतनी सिंपल और इजी है कि अगर आप आंख बंद करके भी एक चॉकलेट केक बनाते हैं ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा केक। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे एक बोल मैंने लिया है, इसमें मैं यहाँ पे एक कप मैदा और एक कप आटा डाल लूंगा। आप चाहे तो कंप्लीट आटे से भी बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 कप कोको पाउडर। तो पहले इनको हमने छान लेना है और अब इसमें डालेंगे हम 250 ml दूध, और ये पूरा एक कप है। साथ में 1/4 कप घी में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो ऑयल भी इसमें यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पे जैगरी का पाउडर, यानी कि गुड़ का पाउडर, जो मैं शुगर की जगह यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और जैगरी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं ले रहा हूँ लगभग 200 ग्राम के आसपास, एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। और अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो रेसिपी यहाँ पे इजी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जैगरी पाउडर जब यूज़ करते हैं तो इसमें छोटी छोटी गुटलियाँ रहती हैं, इनको अच्छे से मिक्स करके डिसॉल्व कर लें। तो ये केक बैटर हमारा रेडी हो चुका है। चलिए अब इसे डालते हैं बेकिंग के लिए। तो ये बेकिंग ट्रे मैंने यहाँ पे ली है और इसको मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लेता हूँ। ऑल्दो ये एक नॉनस्टिक वाली बेकिंग ट्रे है, बट स्टिल मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगा जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। और अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब सारा बैटर मैं इसमें डाल लूँगा। तो बैटर ये हमारा ट्रे में डल चुका है और अब इसे बेकिंग के लिए डालेंगे हम। 180 डिग्री सेल्सियस के प्री हीटेड ओवन में डालेंगे इसे और लगभग 30 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कढ़ाई में भी आप इसे बेक कर सकते हैं, और बहुत ही स्लो फ्लेम में बेक करना है जब भी आप इसे कढ़ाई में बेक करें। तो चलिए इसे बेक करते हैं और फिर मिलते हैं। सो गाइस, ये हमारा केक एग्जैक्टली 30 मिनट्स में बेक हो चुका है और इसको मैंने चेक भी कर लिया है। एक नाइफ या इस तरह की स्टिक आप इसके अंदर डाल के देख सकते हैं, क्लीन आ रही है, मतलब केक अच्छे से पक चुका है। तो इसे अब हम मोल्ड से निकाल लेंगे और पहले इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं आपको इसे काट के दिखाता हूँ। सो गाइस, केक आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और फ्लफी आया है। इसके ऊपर का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा क्रिस्पी है क्योंकि हमने जैगरी पाउडर यूज़ किया है। और देखिए, इसमें 50% आटा है, उसके बाद भी केक का टेक्सचर कितना फ्लफी और सॉफ्ट आया है। सो गाइस, एंजॉय दिस रेसिपी और जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।